गाइस वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड ऑफ पोकेमॉन एश ग्रे। तो चलो चलते हैं गाइस। और लास्ट टाइम में इतना पोपट क्या हो यार, मैं मतलब यार कैसे खेल रहा था लास्ट टाइम, मैंने वीडियो देखी कि मैं एकदम नूब की तरह खेल रहा था इस गेम को। मतलब यार कुछ समझ में नहीं आ रहा ऐसे खेल रहा था, बल्कि मैं ये गेम यार मैं जब मैंने अपनी वीडियो देखी तो मुझे पूरा समझ में आया कि क्या करना है। और मैं यार मतलब खुद का ही पोपट मैंने कर दिया। तो अभी तो अपन को आगे जाना है, अपन को यहाँ जो स्पीरो है उन्होंने तो अपन का रास्ता जाम कर दिया है, लेकिन आगे और भी स्पीरो मिलेंगे। रुको अभी आपको बताता हूँ मैं, लेकिन इतने सारे स्पीरो मुझे यहीं मिल रहे हैं, क्या करूँ यार इतने सारे स्पीरो का। तो यहाँ पर देखो गाइज, यहाँ पर मैं लास्ट टाइम आगे नहीं आया था, लेकिन यहाँ पर अब आपको पता चलेगा क्या करना था। तो यहाँ पर मुझे स्विमिंग करना है। सातोशी बिगिन टू स्विम। और ये देखो गाइस अपन लोग आ चुके हैं मिस्टी के पास। हे किड आई एम ट्राइंग टू फिश। हाँ वो तो मुझे पता ही था। तो पोकेमॉन सेंटर इधर है और मेरा पोकेमॉन जो कि बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है, तो मैंने इसकी साइकिल ले ली है और मेरे को जाना है अब आगे। ये देखो यार इसकी स्पीड यार कितनी शानदार है। एक सेकेंड द वाइल्ड स्पीरो वॉन्ट लेट अप यू पास। ओके गाइज, तो गाइज अब मेरे को गो पिकाचू अपेयर्ड फ्रॉम इट्स पोकेबॉल। सो गाइज अब लगता है कि अपनी पिकाचू की हालत और भी ख़राब हो जाएगी। और ओके ओहो दिख रहा है अपन को, ओहो दिख चुका है। और इसी के साथ ओके पानी में भी रिफ्लेक्ट कर रहा है उसकी शेडो। तो अब गाइज मेरे को जाना है पोकेमॉन सेंटर जल्दी से जल्दी। और आई डिडेंट नो पोकेमॉन सेंटर किस तरफ है। ओके यहाँ तो नहीं है यार, मैं कितना पोपट कर रहा हूँ अपना एक ही एपिसोड में। यहाँ पर है पोके वो व्रीडियंस है, व्रीडियन सिटी। और आप लोग आ चुके हैं व्रीडियन सिटी में गाइस, और यहीं से मुझे जाना है। हे यू वेयर्ड यू गेट दैट पोकेमॉन फ्रॉम। तो ये अपन को एक चोर समझ रही है, लेकिन मैं चोर नहीं हूँ, मैं पहले ही बता दे रहा मैं एक ट्रेनर हूँ। ओके यार, और ये अपन को ले जाएगी अब पोकेमॉन सेंटर। ये रहा पोकेमॉन सेंटर, और पोकेमॉन जिम का भी दिख रहा है अपन को। हाँ यार ये वाले पोकेमॉन सेंटर यार अब देखने को नहीं मिलते हैं अपन को, अब दूसरे पोकेमॉन सेंटर देखने को मिलते हैं हर गेम के अंदर। लेकिन ये जो यार पोकेमॉन सेंटर का शेप है यार, मैं हमेशा ना। ओके गाइस, तो मिस्टी आ चुकी है और मेरे से साइकिल मांग लें, लेकिन मेरे पास साइकिल नहीं है। थैंक यू फॉर वेटिंग, वी हैव रिस्टोर्ड योर पोकेमॉन। सो गाइज अपन ने एक सेकेंड एकंस कॉफिंग, ये कहाँ से आ गए। तो अब अपनी फाइट होगी गाइज टीम रॉकेट से। जी हाँ टीम रॉकेट से अपनी फाइट होगी यार। और यार मैं बता दूँ कि शायद से मैं फाइट ना जीत पाऊँ, क्योंकि मेरे पास एक ही पोकेमॉन है 5 लेवल का वो भी। लेकिन कोशिश करने में क्या जा रहा है, अपन तो जीतने में इंटरेस्ट हूँ मैं, और मैं जीतना चाहता भी हूँ, लेकिन यार लग नहीं रहा कि मैं जीत पाऊँगा। एकंस गो पिकाचू नॉट जॉय यू आर गोइंग टू स्टॉप दिस थीव योरसेल्फ। हाँ तो मुझे पहले बैटल करना पड़ेगा, फिर नर्स जॉय आएगी और इनको रोकेगी। ये यार ये बहुत बेकार चीज है यार। ओहो हो उसने इंटीमिकेट कट्स कर दिया। चलो कोई नहीं, थंडर शॉक, ये थंडर शॉक यार पिकाचू के पास शुरुआत नहीं रहता है यार, ये सबसे ज़्यादा अच्छी बात है कि कम से कम उसके पास एक अटैक तो है। लेयर अटैक, लेयर अटैक से क्या होगा, लेयर से तो बस अपनी डिफेंस पे लोगा। अच्छा क्या प्लानिंग करता है यार ये जैसी ये, लेकिन इन्होंने साथ में अटैक करना नहीं समझा, क्योंकि अगर ये दो का बैटल, मेरे पास दो पोकेमॉन अभी है ही नहीं पहली बार, तो कहाँ से दो का बैटल होगा। तो यहाँ पर थंडर शॉक और जीत गए, कितनी आसानी से हरा दिया यार मैंने, मेरे को लगा नहीं था इतनी आसानी से मैं इसको हरा दूंगा। और पोकेमॉन लेवल अप भी हो चुका है, पिकाचू ग्रू टू लेवल। और टेल वेप ये तो आता ही है, और ये अटैक मेरे को पसंद भी नहीं है। अब इस पर भी थंडर शॉक यूज़ करूँगा मैं, टेल वेप थोड़ी ना करूँगा। ये पैरालाइज्ड हो गया, ये फंस गया, नहीं हुआ पैरालाइज्ड यार, बल्कि मैं इसने मेरे को पॉइजन कर दिया। ये तो यार बहुत बुरी बात है,
लेकिन पॉइजन का मार्क नहीं आया गाइस, पॉइजन का मार्क आता है मैंने सुना है। हाँ अब पैरालाइज्ड हो गया ये, और मैं पॉइजन भी हूँ मैं भूल नहीं सकता, लेकिन यार इस पर पैरालाइज्ड का असर ही नहीं हुआ। लेकिन कोई टेंशन नहीं, अपन जीत चुके हैं और इसने भी अपन को 121 शक्ति दी है और 7 लेवल का इसी फाइट से हो गया अपना पोकेमॉन ये। वो तो मैं ऑफलाइन खेल के वैसे ही कर लूँगा लेवल अप। और यहाँ पर सातोशी गॉट 300 पोके कॉइन। वॉन्ट गिव अप, ये यार ये बात मेरे को सबसे अच्छी लगती है कि कभी हार नहीं मानते हैं जैसी और जेम्स। अपेयर्ड पोके बॉल, तो अपना पिकाचू यूज थंडर शॉक। व्हाट नो टीम रॉकेट ब्लास्ट, तो मेरे को अब पोकेमॉन सेंटर से पोकेमॉन को हील कराना है क्योंकि मेरा पोकेमॉन वैसे ही कमजोर हो गया। और अब मैं चलता हूँ अपने राह पे, तो मुझे जाना है गाइस अब पोकेमॉन का कौन सा, हाँ विरिडियन फॉरेस्ट जाना है मुझे, और विरिडियन फॉरेस्ट यहाँ से पड़ता है। रुकन सबसे पहले मेरे को देखना है ये जिम खुली है क्या, क्योंकि अगर खुली हुई तो मैं अभी बैटल कर लूँ। गार्ड हे किड, द बॉस इज टू बिजी टू एक्सेप्ट एनी जिम बैटल्स राइट नाउ। अरे यार ये बहुत बुरे लगा, लेकिन अच्छी बात है। तो यहाँ इन घरों में तो अभी कुछ भी नहीं पता चलेगा क्योंकि ये घर के दरवाजे ही नहीं है। कैसे घर दिए गए यार, ओके ये कौन सी जगह है यार, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ। ये भी लॉक है, कोई नहीं फ्यूचर में पता चल जाएगा ये कौन सी जगह है। लेकिन अभी पोके मार्ट, कितना सा पोके मार्ट है यार आजकल के गेम्स में, इतना सा पोके मार्ट ही नहीं मिलता अपन को। तो मैं कुछ बाय करना चाहूँगा, और मैं क्या बाय करूँ, पोके बॉल्स पोशन या एंटीडोट, मैं पोशंस कर ले रहा, कितने 3-4 पोशंस कर ले रहा हूँ क्योंकि पता नहीं कितने फाइट हो अपनी, और पोके बॉल्स की तो ज़रूरत ही नहीं है मेरे को। अगले टाउन में यार शायद से कुछ, तो अभी मेरे को 2 पोकेमोन पकड़ने हैं, एक है पीजी और एक है क्या नाम है उसका, मैं भूल ही गया। तो अभी तो यहाँ पर से मैं, यहाँ कुछ है क्या रास्ता, ये तो यार वो वाली रास्ता जाएगी क्या बोलते हैं इंडिको प्लेटो वाली, और ये वाली रास्ता तो है ही नहीं। तो अभी तो मुझे यहीं जाना है, मुझे पता है इतना तो। और यहाँ पर भी एक रास्ता खुली है लेकिन ये यहाँ मुझे जाना नहीं है अभी, तो अभी तो मुझे चलना है सीधे एकदम। और ये रही रूट 2, ये रूट 2 क्या है, ब्रिडियन टू प्यूटर सिटी, ये तो होने ही था यार। ये देखो शॉर्टकट गाइस, ये शॉर्टकट है, लेकिन मेरे पास अभी पिकैक्स नहीं है, इस गेम के अंदर पिकैक्स है मुझे इतना तो पता ही है। और ये यहाँ से चलेंगे आप लोग ब्रिडियन फॉरेस्ट, खतरे का फॉरेस्ट लास्ट टाइम मैंने लिखा था इसका नाम। ओके शुरुआत में ही पोकेमॉन मिल गया, कितने लेवल का मिलेगा आप बताओ। एक कैटर पे मिली अपन को 5 लेवल की, इसको तो मैं पकड़ना चाहूँगा, ऑफकोर्स पकड़ूंगा। ये क्या हो गया यार, अच्छा ये आता है मैं भूल, ये तो आता है जी एंड, ये तो आता ही है यार शुरुआत में कि तुम्हें ये बताएंगे कि क्या क्या। तो यार थंडर शॉक का असर तो होगा नहीं कैटर पे क्योंकि एक बग टाइप पोकेमॉन है और बग टाइप पे असर होता नहीं है। चलो शायद से इतना बहुत है, इतना अटैक बहुत है क्योंकि अब मैं दूसरा अटैक करूँगा तो उतने में तो इसकी जान ही निकल जाएगी। तो पिकाचू स्पीड फेल, ओह नो कोई बात नहीं, और मुझे इसका लेवल अप भी करना है इसी एपिसोड में, और उस सामुराई से भी लड़वाना है सामुराई। ये पकड़ा गया है, कैटरपी को पकड़ लिया है, तो मैं अभी ना कैटरपी को ऊपर रखूँगा क्योंकि मुझे कैटरपी का लेवल अप करना है, और शायद से मैं कैटरपी से पकड़ भी लूँ एक पोकेमॉन। तो इसका निकनेम तो यार मैं नहीं रखने वाला, यार मैं नहीं रखूँगा इस सीरीज में निकनेम किसी भी पोकेमॉन के। तो अब मैं सबसे पहले पोकेमॉन देख लूँ कि एचपी कम है, मैं इसको एचपी अभी प्रोवाइड कर दूँगा। पोशन तो मेरे पास पड़ी है, कितने पोशन से, मेरे पास 4 पोशन से, 4 जो मैंने लिए थे, एक पोशन मेरे उसमें भी पड़ा है, मैं भूल गया था निकालना, मेरे उसमें क्या नाम रहता है यार पीसी में, मेरे आइटम स्टोरेज में। तो मुझे शायद से यहीं से ही जाना है, नहीं यहाँ से नहीं, ओके तो यहाँ तो यार मेरे को पोशन मिल सकता है, हाँ पोशन मिल चुका है। ए क्या किस्मत है यार, किस्मत नहीं क्या तुक्का है। तो यहीं से जाना शायद से अपन को, अरे यार रैपन नहीं है, एक तो मेरे पास 30 अपने लिए। तो यहाँ पर भी एक कैटरपी था, मैं समझ रहा था कि यहाँ पर एक पिजी होगा। गाइस को ढंग का पोकेमॉन ही नहीं मिल रहा यार अपन को, गाइस मुझे पिजी चाहिए और ये मेरे को एक फालतू से ही पोकेमॉन दे जा रहे हैं। और यहाँ पर क्या मिला अपन को, सातोशी फाउंड अ पोशन,
चलो ठीक है यार, अब पोशन 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 मिल ही रहे हैं अपन को इतने सारे। ओ नो गाइस, रास्ता जाम है, मैं क्या करूं यार, मैं जगह ही भूल गया। गाइस देखो क्या हो रहा है, गाइस मेरे को समझ में नहीं आया ये हो क्या रहा है। और फाइनली शायद से अपने पोकेमोन का एवोल्यूशन आ चुका है, और मेरे को नहीं पता था कि इतनी जल्दी आ जाएगा। मैं बस मैं मतलब निकल ही रहा था वहाँ से, उतने में ये लेवल अप हो गया और थोड़े बैटल्स किए मैंने, और ये हो चुका है मेटापॉड में 8 लेवल का हो चुका है। अब मेरे को इस तरफ जाना है क्योंकि लास्ट टाइम मैं उस तरफ गया था सीधे एकदम, तो लेकिन कैटरपी नहीं, कैटरपी तो अच्छी है फिर भी, कैटरपी से बढ़िया। और फाइनली अपन लोग निकल चुके हैं रास्ता से, बहुत जल्दी निकल रहे थे लेकिन इतने सा। ओके ओके माय गॉड, पिजी ऑटो मिला मेरे को डायरेक्ट, पिजी ऑटो मिला मेरे को डायरेक्ट, अजी डायरेक्ट मिला। टैकल क्यों यूज़ कर रहा है भाई, प्लीज़ डू नॉट यूज़ टैकल, हम भी टैकल यूज़ करेंगे। मैं तो इसको पकड़ूंगा यार, कुछ भी हो जाए मैं तो इसको पकड़ूंगा। और मैं पोकेमॉन चेंज कलर बनना है, मेरे पोकेमॉन की धाकी की धा कर दे। 7 लेवल का तो मेरा पिकाचू भी है, इसको तो हरा ही देगा एक ठंडा शॉक में, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि ये एक ही बारी में हरा दे क्योंकि बहुत देर बाद पिजी ऑटो मिल रहा है। डायरेक्ट पिजी ऑटो मिल रहा है यार, मुझे यार बहुत अच्छी लग रहा है, डायरेक्ट पिजी ऑटो ठंडा शॉक। अटैक मिस हो गया, चलो कोई नहीं, इतना तो होता ही देते हैं। गश का अटैक प्यूटर सिटी जिम में यार, मैं बहुत सारे पोकेबॉल्स खरीद लूँगा ताकि यार बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो, और ये तो यार बहुत ज़्यादा असर करेगा। ओके जैसा मैं सोच रहा था, इट्स सुपर अट्रैक्टिव। गश का अटैक, चलो कोई नहीं। और अब मैं कौन सा अटैक यूज़ करूँ, ये वाला पोकेबॉल यूज़ करना है, अब कोई अटैक यूज़ नहीं करना। और अपनी टीम का शायद से तीसरा पोकेमॉन आ चुका है दूसरे ही एपिसोड में। वाह यार, दूसरे एपिसोड में मैंने 3 पोकेमॉन पकड़ लिए, और ये पकड़ने आ चुका है, मेरे को लग ही रहा था। गुड चांस वॉज कैच। अब मैं इनको सबसे पहले वो दे दूँ, इनके इसका निकनेम रखना चाहोगे, नहीं रखना चाहेंगे, बैग में से निकालेंगे पोशन। मेरे को कितने पोशन देना है, एक इसको देना है। ओके 15 का ही रिस्टोर किया यार, थोड़ा ज़्यादा ही कर लिया करो, शर्म करा करो यार, 15 का ही रिस्टोर करते। ओ माय गॉड गाइस, इसका 27 की HP है, बल्कि मैं ये 7 लेवल का है, और वहीं इसके देखो यार, नहीं चलो छोड़ो इतना तो चलेगा यार। अब मैं कौन सा पोकेमॉन ऊपर पे रखूँ, देखो मैं सोच रहा हूँ मैं ऊपर में कौन सा रखूँ। हाँ मैं पिजी ऑटो रखूँ ऊपर पे, क्योंकि यार पिजी यार शायद से बग टाइप पे ज़्यादा असर करता है, शायद से नहीं पक्का ही करता है। और यहाँ शायद से मुझे जाना है, ये क्या सामुराइज वगैरह यार, इनसे कौन ही बैटल करे। लेकिन एक काम करूँ, पहले मैं यहाँ की रास्ता देख के आ जाऊँ गाइस, क्या होगा क्या। और यहाँ मेरे हिसाब से तो कुछ भी नहीं हो रहा है, तो बस सिंपल सी बात है, मुझे इन लोगों के साथ बैटल करना है। और आज की वीडियो ऑलरेडी इतनी लंबी होने वाली है क्योंकि मुझे सामुराइ को हरा के फ्यूचर सिटी जम जाना है, तो ये वीडियो को यार इन बैटल्स को स्किप करना पड़ेगा मेरे को। सो गाइस मैंने बैटल कर लिया, और इससे ना मेरे को रेस्ट भी मिल चुका है, जिसके कारण मेरे सारे पोकेमॉन हील हो चुके हैं, और 8 लेवल का भी हो गया मेरा एक पोकेमॉन, और आप लोग जानते हो कौन सा। ओके ये क्या है, हो सो वी मीट अगेन, ओह शिट हियर वी गो अगेन। सो गाइस वापस से बैटल करनी पड़ेगी, ये लोग यार मेरे पिकाचू के पीछे क्यों पड़े हैं जब इनके पास इतने अच्छे अच्छे पोकेमॉन हैं। मेरे को यार कॉफिन ऐसा होना चाहिए, किसी गेम में स्टार्टर होने चाहिए कॉफिन, एब्रा या फिर क्या बोलते हैं, एब्रा तो होता नहीं है यार, क्या नाम है उसका, हाँ एक्कन्स या फिर एक और क्या नाम था उसका, सेवाइपर, ये होने चाहिए स्टार्टर। तो कितना वो लगे यार, कितना गोट लेवल लगे वो गेम। तो अभी तो इनके साथ बैटल करते हैं जल्दी से, और क्या एक्कन्स इंटीमिकेट कर्ट्स, मैं गश अटैक इसका यूज़ करूँगा। और ओके मैंने क्या गलती कर दी यार, मैंने ग्राउंड अटैक क्यों यूज़ कर दिया, उसका अटैक जो एक्सीलेट में फेल हो जाएगा। अरे उस पर भी असर हुआ, चलो ये तो फिर ठीक है यार, किसी ना किसी का तो मिस हो गई, और मेरा बहुत तगड़ा, अरे यार लेयर अटैक, चलो इसका भी ठीक ही है लेयर, और लेयर ने मेरे पिछले ऑटो के डिफेंस को फेल कर दिया।
और इसने ग्राउल चुना, ग्राउल ली टेल विप चुना, टैकल चुना। वैसे तो मैं इसका टैकल और इसका थंडर शॉक का मिक्सचर बनेगा, क्या मस्त खिचड़ी बनेगी देखना यार। सबसे पहले तो एकन्स का खेल खास नहीं हुआ यार, कितनी बुरी चोट हो गई यार मेरी जब एकन्स का खेल ही खत्म नहीं हुआ। वॉज पॉइजन स्टिंग, ओ माई गॉड, ये क्या बता दीजिए यार, पॉइजन गैस, पॉइजन स्टिंग साथ में छोड़ रहे हो, शर्म करो यार। मैं पॉइजन भी हो गया, वाह, हर्ट बाय पॉइजन। तो मैं गस्ट अटैक और मैं थंडर शॉक, चलो छोड़ो यार अब क्या करें, थंडर शॉक से तो इसका खेल खत्म, इतना तो मुझे लग ही रहा है। हो गया फाइनली, चलो मेरे को 52 मिलेगी मेरे पे का चुको, और गस्ट अटैक से इसका खेल खत्म होना चाहिए यार, नहीं हुआ, कितनी बुरी बेइज्जती हुई यार। चलो कम से कम मेरे इस पोकेमॉन पे मतलब पिकाचू पे ही तो हमला नहीं किया कम से कम इसने, मन नहीं है चले तो सभी पिकाचू पे ही अटैक करे जा रहे। वो बैग में से क्या निकाल रहा हूँ, पोकेबॉल थोड़ी ना सर होगी, और वैसे भी मुझे खराब से पोकेमॉन को नहीं पकड़ना। ये बात, और पिजी ऑटो का टैकल, चलो ये सही यार, ये तो एकदम सही है। अब उसका अटैक भी मिस हो गया लेकिन मेरा पिकाचू, चलो कोई नहीं, टैकल तो यहाँ पर भी और थंडर शॉक भी यहाँ पर भी, और खेल खत्म। फाइनली गाइस, फाइनली मैंने हरा दिया यार इसको, टीम रॉकेट को। लेकिन यार मुश्किल था इस वक्त, क्योंकि यार आप लोग भी जानते हो कि यार मेरा भी पोकेमॉन से लेवल जितने ज़्यादा नहीं है, और ये इसका एक लेवल अप हो चुका है, ये 9 लेवल का हो गया, और मेरा पिकाचू भी 8 लेवल का नहीं हुआ, मेरा पिकाचू 8 लेवल का नहीं हुआ, आर यू सीरियस। तो मैं जल्दी से अपने पोकेमॉन को हील करा के लाता हूँ, क्योंकि यार मेरे पास टाइम नहीं है, और यार गेम का साउंड कितनी तेज चल रहा है यार, इतना बहुत है गाइस। और चलो अब हील कर लेते हैं और मेरा पिकाचू मर ना जाए, सच अ बिग फॉरेस्ट यूज अ ब्रेक। तो फाइनली गाइस मैंने एक छोटा सा ब्रेक लिया, छोटा सा, एकदम ज़्यादा बड़ा भी नहीं लिया। और चलो अब चलते हैं अपन लोग फॉरेस्ट एरिया को, क्या नाम है उस बग का, मेरा पिकाचू तो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं उसको स्ट्रॉन्ग बना लूँगा ऑफलाइन खेल के, क्योंकि अभी यार बहुत ज़्यादा टाइम है, और अभी प्यूटर सिटी में भी बहुत ज़्यादा टाइम है, तो इस बैटल को स्किप तो करना ही है। अच्छा गाइस, ये स्किप करने लायक बैटल नहीं है। एम आई एड्रेसिंग द पोकेमॉन ट्रेनर हु कैम्स फ्रॉम पैलेट टाउन, या मैं पैलेट टाउन से ही आया हूँ वैसे तो, आई एम सामुराई, लेट्स द मैच बिगिन। और फाइनली अपना सामुराई नाम के एक ट्रेनर से बैटल होगा, और मजा भी आएगा ना। और अपन लोग पिंसर को भेज रही है शुरुआत में, ओके पिंसर के खिलाफ मैं बेटा पॉट को तो नहीं भेज सकता हूँ गाइस, इतना तो है, तो मैं पिंसर के खिलाफ पिजी ऑटो को भेज देता हूँ, क्योंकि पिजी ऑटो इसके पास एडवांटेज है गाइस, एडवांटेज तो अपने पास ही है, क्योंकि वो अपने सिर्फ वो अपने कितने पोकेमॉन दिखा रहे हैं, वॉइस ग्रिप, ओ माय गॉड गाइस, 18 की तो दे ही दी, मतलब 18 बचे बस, एक और वॉइस ग्रिप, कितना वॉइस ग्रिप करेगा यार, क्या मिलता है वॉइस ग्रिप करने से। और अपना तो यार बिल्कुल हग दिया अपने अटैक ने तो एकदम, तो मेरे को वापस से पोशन यूज़ करना पड़ेगा, और क्या दो और क्या पोशन अपने पोकेमॉन को, 8 मतलब 16 कितने फोकस है ना, चलो एक अटैक तो इसने दूसरा चुना, वरना यार ये तब से एक ही एक अटैक वाइस ग्रिप करे जा रहा है, गस्ट अटैक, वैसे मैं दूसरी बार गस्ट कर रहा हूँ, बट इट फेल्ड, लेकिन मेरा तो बहुत ज़्यादा असर करेगा, ओ माई गॉड, बोला था ना, लेकिन इतना भी नहीं किया जितना मैं सोच रहा था, सॉरी। तो इसका बाइंड अटैक, और ये बाइंड तो बिल्कुल ही हग दिया इसके बाइंड ने, मेरे को लग ही रहता है। और मेरा गस्ट अटैक, अभी मैं यार गस्ट इसलिए चुन रहा हूँ क्योंकि यार टैकल ज़्यादा असर नहीं करेगा पिंसर पे, लेकिन आपकी बार टैकल चुनूंगा, क्योंकि टैकल फर्स्ट जरूरी, मतलब टैकल जैसे ही जाएगा वैसे ही असर हो जाएगा, बाइंड से कारण मैं हर्ट हो रहा हूँ, मेरा पोकेमॉन हर्ट हो रहा है, मैं तो कुछ नहीं हो रहा हूँ, और मेरे पोकेमॉन ने दिया टैकल और खेल खॉट। और देखते हैं गाइस अब क्या, और 213 लेवल, ओ माय गॉड गाइस, 213 का एक्सपीरियंस मिला मेरे को, और क्या मेरा पोकेमॉन एक और लेवल अप नहीं हो गया, थोड़ा सा बच गया गाइस, मेटापॉट को चुनता है, और अपन भी मेटापॉट को ही चुनेंगे, क्यों नहीं चुनेंगे मेटापॉट को, तो मैं भी मेटापॉट को ही चुनता हूँ, और सिर्फ एक ही अटैक यूज़ करूँगा, हार्डन, और सिर्फ
हार्डन। तो चलो इसने अपने मेटापॉड को भेजा और उसका मेटापॉड भी 8 लेवल का है। और क्या बात है यार, मेरे को लगा नहीं था इसका मेटापॉड भी 8 लेवल का होगा। लेकिन ये तो है कि इसका मेटापॉड कम एक्सपी लेगा, एचपी लेगा अपनी, और लेकिन अपना मेटापॉड भर भर के लेगा इससे। ओके, मेरे को देखो यार, अपन को मेटापॉड का सामने का हिस्सा भी दिख रहा है और पीछे का हिस्सा भी दिख रहा है। तो यार ये तो यार बहुत ज़्यादा ही अजीब सी बात हो गई। हार्डन इसके पास है, मेरे पास है ही नहीं यार। जी यार, मेरे को बुरा लगा यार, वो खुद को तो स्ट्रांग बना लेगा लेकिन मैं क्या करूँगा। अरे रे, कुछ तो छोड़ दे यार। टैकल एक और बार, ये बात बिल्कुल आसानी हो क्योंकि वो हार्डन यूज कर रहा है। स्ट्रिंग शॉट से मैं उसका डिफेंस फेल कर सकता हूँ क्या? मैं क्या करके देखता हूँ एक बार। स्ट्रिंग शॉट, क्या इसका डिफेंस फेल होगा या अटैक? स्पीड फेल हुई है यार, क्या बेइज्जती है यार अपनी। लेकिन कोई नहीं, एक एक करके भी अपना ठीक है यार। अब एक एक करके उसकी एचपी जा रही है तो मेरे को यार, लेकिन उसकी देखो यार कितने तगड़े तगड़े असर हो रहे हैं यार उसके अटैक के। और भाई मेरे अटैक तो यार एकदम हग दे रहे हैं ऐसा लग रहा है। देखो यार जरा कितना ज़्यादा असर हो रहे हैं यार उसके अटैक। चलो कोई नहीं, अपन जीत चुके हैं और अपना पोकेमॉन 9 लेवल का भी हो चुका है, नहीं 9 का, यहाँ 9 का हो चुका है और 10 में लगने जा रहा है। देखना 10 में लगने जा नहीं यार, 9.25 का हुआ है अभी, तो 9.5 का नहीं हुआ है। तो कोई नहीं, अगल भी करेंगे इसको, अभी करना है इसको लेवल अप। द बीटल स्वैम अप्रोचेस क्विक गेट टू बी माई कैबिन। ओके, क्या हो रहा है, ये क्या हुआ? ओ ये क्या हुआ, अ ग्रुप ऑफ वाइल्ड बीटल इज अटैकिंग मे बी मेटापॉड्स हार्डन अटैक कैन हेल्प टू प्रोटेक्ट। ओके, ये कितना बेइज्जती है यार। गो, लेकिन मेरे पास यार वही नहीं, हार्डन अटैक ही नहीं है। और ये क्या हुआ, एक बीड्रिल आई और मेरे पोकेमोन को देखा आजू बाजू और उठा के, वैसे मैं आगे की स्टोरी स्पॉइल कर रहा हूँ, और मेरा पोकेमोन, ओह नो, द वाइल्ड बीड्रिल स्क्वैट डाउन एंड ग्रैब्ड मेटापॉड इन इट्स आर्म। ओ माय गॉड गाइस, ये क्या हो गया। चलो इसके घर में चलते हैं सबसे पहले। तो ये क्या है, एंटीडोट मिल चुका है सबसे पहले तो मेरे को। चलो इससे बात कर, आई होप यू लर्न योर लेसन, नो वाइज यू आर लेटिंग दैट वाइल्ड एस्केप ऑलमोस्ट कॉस्ट ऑफ आवर लाइव्स। सो गाइस, अब मैं ना वाइल्ड बीटल को, मतलब अपने मेटापॉड को बाद में बचाऊंगा अगले एपिसोड में, और अगले एपिसोड में अपन को ब्रॉक को भी हराना है गाइस। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायो नारा।